एक आदमी लोटा लेके दौड़ा कि यहां चढ़ाना है, तो आप भी पीछे दौड़ लिए। क्यों चढ़ाना है, कैसे है? हम सनातन धर्मी है, कायम तो है, हमें क्या करना है ये मालूम नहीं है। और जानकारी बहुत जरूरी, पहली बार बता दूं आपको, बात आ गई है तो बोल देता हूं। सबसे पहला सनातन धर्म का लक्षण है परोपकार, सबसे पहला लक्षण, सबसे बड़ी पूजा परोपकार। तुलसी जी कहते हैं परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे की पीड़ा को महसूस एक का नहीं सबका, आज पड़ोस की पीड़ा को भी कोई सुनने को तैयार नहीं। पड़ोस में आग लग जाती है और यदि आपका हस्बैंड डब्बा में पानी लेके दौड़ता है तो पत्नी कहती है हे जी चुप रहो, क्यों जा रहे हो, पुलिस कहीं पकड़ लेगी तो मत जाओ, ऐसा मत बोलो। आप उत्साहित करो कि एक डब्बा नहीं ये पूरा खड़ा लेकर के चले जाओ पत्थर को। अरे राम राम, ये संसार तो बेकार है, ये संसार रहने लायक नहीं है। सर्वंगुर जीवन की कलिका कलिप्रात मुदान खिली न खिली, मलयाचर की सुख शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता कर नम्र है चोट झिली न झिली। बजले हरि नाम आनी न सुना फिर अंत समय में हिली न हिली। ऐसा महिला का आ जाता है कि आपको भजन करना है, आप घर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चलते जाएंगे। जब घर का दरवाजा आ जाएगा तो ऐसा तो हमारा मन है हर पल भ्रमित करता है, हर पल हमें उद्वेलित करता है। और जब स्त्री प्रसंग में आप जाते हो और उसकी पूर्णता के बाद कहते हो ये तो व्यर्थ की थी, और फिर वही ये वैराग्य के तीन स्थान है, और तीनों स्थान का वैराग्य आपका सब ध्वस्त हो जाता है जब एक रात बीत जाती है, सब धराशायी हो जाता है। तो कहते हैं सनातन धर्म में ऐसी आज्ञा नहीं है। हमारे यहां सना सर्वदा सना भवस्त ये सनातन कहता है। अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे ध्वनि संचालक लोग हैं वो कुछ भजन बजाएं, आनंद लें। आप भजन का आनंद लीजिए, इसके बाद फिर मैं मिलूंगा, पूरा 9 बजे तक रहूंगा, आपको बीच बीच में ऐसी चीजें बताता रहूंगा। रात बरसती है प्रार्थना करो एक बूंद मिल जाए दिल की गली खिल जाए।